हेलो एवरीवन, क्या आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखना है। मेरा नाम है सुरेश शर्मा और आप ये वीडियो देख रहे हैं एसएन सैनिक विंग यूट्यूब चैनल पे। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स क्या हैं, उनमें एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया जाता है, कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, मेडिकल कैसे होता है, क्या इंटरव्यू भी होगा, और बच्चा कौन सी क्लास तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ेगा और किस चीज़ का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रिपरेशन करवाता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इंट्रोडक्शन से। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑल ओवर इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। आरएमएस अजमेर, आरएमएस बेंगलोर, आरएमएस बेलगांव, आरएमएस चैलोर, आरएमएस धौलपुर। इन सबका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जिसको सीईटी बोलते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 और 9 में एडमिशन लिया जाता है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है और एडमिशन कब होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के किसी भी मंथ में रिलीज हो सकता है। जैसे अभी इस साल अगर आप 2024 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो 2024 में अगस्त के मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। 2023 में यही फॉर्म अक्टूबर के मंथ में रिलीज हुआ था। ओके, तो ऐसे ही मीन आपको अगस्त से अटेंशन में रहना है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कभी भी फॉर्म रिलीज हो सकता है। मीन अगर आप 2025 के लिए देख रहे होंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तो मे बी आपको अगस्त या सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म मिल सकता है। इस साल की अगर हम जानकारी लें, अगर 2024 में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस साल एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 21 अगस्त से और इसका लास्ट डेट 19 सितंबर है। ओके, और आप सिर्फ इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें तो सारी डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी है, क्योंकि कोई भी चीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ करके। जो एग्जामिनेशन सेंटर लोकेशन है, अगर वो आप अपनी चेंज करवाना चाहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे हैं, तो वो एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं। उसका डेट यहाँ पे गिवन है, जैसे लास्ट डेट 19 सितंबर है, उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करना चाहते हैं, तो 20 सितंबर से 22 सितंबर तक आप चेंज कर सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पे गिवन है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस साल अभी तक नहीं आया है। जनरली आरएमएस का एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में कंडक्ट किया जाता है। ओके, तो अगर आप किसी भी ईयर में आरएमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पूरे टेंशन के साथ रहना है। इसमें कभी भी फॉर्म रिलीज होगा, 1 मंथ का ऑलमोस्ट टाइम मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जैसे कि 21 अगस्त से स्टार्ट हुआ, 19 सितंबर इसका लास्ट डेट है 2024 में। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास 6 में गर्ल्स और बॉयज दोनों का एडमिशन लिया जाता है। जिन बच्चों की एज 10 to 12 ईयर है, ओके, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पेरेंट्स यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि 10 से 12 साल कब काउंट करें, तो आपको काउंट करना है एट द ईयर ऑफ एडमिशन, 31 मार्च को क्या है। तो अगर इस साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ओके, वो 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2015 के बीच में जिन बच्चे का जन्म हुआ है, दोनों डेट इंक्लूड हैं, वो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए एग्जाम दे सकते हैं। एडमिशन के टाइम आपके बच्चे का क्लास 5 पास होना कंपलसरी है। ओके, जिस बच्चे का क्लास 5 पास होगा, वही बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेगा। हाँ, क्लास 6 वाला बच्चा भी 6 में दोबारा एडमिशन ले सकता है। क्लास 9 में एडमिशन के लिए आपका बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा होना चाहिए, और एडमिशन के टाइम में 8th क्लास पास होना चाहिए, क्योंकि वो एडमिशन अप्रैल में होता है, तो बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं। 8th में पढ़ रहा हुआ बच्चा अप्लाई कर सकता है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही। इसके लिए एज क्राइटेरिया 13 to 15 ईयर है। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 तक आपके बच्चे का एज होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें स्पेशल क्या है कि जो जिनके पेरेंट्स, यानी वो बच्चे जिनके पेरेंट्स किसी भी जो डिफेंस सर्विसेज में
किल्ड इन एक्शन मीन किसी वॉर में अगर शहीद हुए हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन का नोट यहाँ पे है कि 6 मंथ का उनको एज रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट मिलता है। ओके, यानी कि अगर वो 6 मंथ ज्यादा भी बड़े होंगे तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने बताया, क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास्ट क्लास 5 फ्रॉम गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज स्कूल बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन। एडमिशन होने से पहले, इन एडमिशन अप्रैल में होता है, बच्चों के 5th क्लास के एग्जाम का रिजल्ट मार्च में आ जाता है, तो इजीली आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब एडमिशन होगा, एग्जाम देने के लिए कंडीशन नहीं है, एडमिशन लेने के लिए कंडीशन नहीं है। क्लास 9th, जो बच्चा 8th में पढ़ रहा है वो 9th के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, यस, ये कन्फ्यूजन रहती है। कुछ बच्चों का एज तो होता है, वो 4th में होते हैं, बट उनका एज होता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, तो नहीं, 4th वाला बच्चा सिर्फ अप्लाई कर सकता है, एडमिशन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसे 5th क्लास पास होना जरूरी है एडमिशन के लिए। ओके, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है? आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म के ड्यूरेशन में आपको ये चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट, कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें सबसे बड़ा जो पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, क्या बच्चे का आधार कार्ड में नेम कुछ अलग है? बच्चे का नाम सही है तो आधार कार्ड में फादर नेम में किसी में कुमार लगा है, किसी में नहीं लगा, तो ये चीजें आप जरूर देखें कि स्टूडेंट के सभी डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट नेम का स्पेलिंग, फादर नेम का स्पेलिंग, मदर नेम का स्पेलिंग सब करेक्ट होना चाहिए। स्टूडेंट का नेम आधार कार्ड में, बर्थ सर्टिफिकेट में, कास्ट सर्टिफिकेट में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, या अगर आप आर्मी में तो सर्विंग सर्टिफिकेट, और स्कूल में बच्चे का नाम क्या चल रहा है वो सब आपको मैच कर लेना है। ओके, मोस्ट कॉमनली ये एरर हमें मिलता है कि बच्चे के डॉक्यूमेंट में नेम अलग अलग होता है, स्पेलिंग्स अलग होती है, किसी में स्पेस का प्रॉब्लम है, किसी में बच्चे का नाम, किसी में सरनेम नहीं लगा हुआ है, किसी में लगा हुआ है, तो इस चीज को आपको जरूर चेक कर लेना है। ओके, यस, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। क्लास 6 में जो बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लास 6 के लिए, उसके लिए मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज में साइंस प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। ओके, अब देखिए, 50-50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 20 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं। इंटरव्यू अगर आप पहले रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो फिर इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम मिलता है। ओके, ये जो 35%, 40%, 40% जो मार्क्स हैं, उस चीज का स्पेशल ध्यान रखें, ये मार्क्स जो है वो इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, ये मिनिमम मार्क्स हैं, क्राइटेरिया मिनिमम है कि इतने आपको चाहिए जिससे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई हो जाना मीनिंग ये नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों के नाम रहेंगे उन बच्चों को, मीन जो जितना वैकेंसी होता है, वैकेंसी ऑलमोस्ट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 450 वैकेंसीज के अप्रोक्स रहता है, 400 to 500 के बीच में, उसका 3 टाइम, ऑलमोस्ट 3 टाइम, या फिर लास्ट टाइम जैसे डबल बच्चों को ही बुलाया गया था, 2 टाइम्स या 3 टाइम बच्चों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। ओके, डबल द वैकेंसीज लास्ट टाइम बुलाया, उससे पहले ट्रिपल द वैकेंसीज बच्चों को बुलाते थे। ओके, तो क्वालिफाई होने का मीनिंग सिलेक्शन नहीं है। ओके, उसके लिए पहले इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद में मेडिकल होगा, उसके बाद बच्चे का सिलेक्शन कंसीडर किया जाता है। हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 6 के लिए जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। मार्क्स किसके काउंट होंगे? इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और GK/GS के मार्क्स काउंट होंगे। ओके, यानी ये जो 150 मार्क्स बनेंगे, उन 150 में से कितना बच्चा स्कोर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्लास 9th के लिए सभी सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते हैं, आपको बता दें, इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहता है, ये रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के मार्क्स कंसिडर होते हैं। इंग्लिश 50, हिंदी 20 मार्क्स, सोशल साइंस 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स, साइंस 50 मार्क्स। ओके, तो इसमें आपको बता दें कि रीजनिंग जो जनरल इंटेलिजेंस है वो क्लास 6 के टेस्ट में पूछा जाता है और 9th के टेस्ट में नहीं, क्योंकि 9th में एक और सब्जेक्ट सोशल साइंस अलग से हो जाता है बच्चों का, और साइंस अलग से पूछा जाता है, सोशल साइंस मीन SST। ओके, हाँ, इसमें सिलेबस क्या है वो भी हम देखेंगे, जानेंगे सिलेबस क्या रहेगा।
अब एडमिट कार्ड कब आता है बच्चों का? एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, अगर आपने अगस्त में सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम कब होना है? एग्जाम होना है दिसंबर में। ओके, तो एडमिट कार्ड कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, फाइनल सिलेक्शन कब होगा, वो जानते हैं। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम, जो भी एग्जाम डेट है, इस बार एग्जाम डेट अभी तक नहीं आए, तो एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 15 डेज पहले ऑलमोस्ट रिलीज होते हैं। ओके, 10 to 15 डेज बिफोर एग्जाम डेट। ओके, यानी एडमिट कार्ड जो है वो अक्टूबर लास्ट वीक में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं रिलीज होते हैं। ओके, अक्टूबर मीन सॉरी नवंबर लास्ट वीक, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होता है, तो नवंबर लास्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज, जो इसका एडमिट कार्ड है वो रिलीज होता है। ओके, उसके बाद एडमिट कार्ड जो आएगा उसमें क्या क्या होगा, एडमिट कार्ड जो आएगा उस एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, और आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या साथ में लेके जाना है, वो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आ जाने का मीनिंग ये है कि अब आपका बच्चा एग्जाम देने के लिए रेडी। ओके, और एडमिट कार्ड कौन सी वेबसाइट पे आएगा, तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट है, www.rashtriyamilitaryschool.edu.in। ओके, और सेकंड जिस पे आपने अभी फॉर्म अप्लाई किया है, इस पे भी आप जो है एडमिट कार्ड लॉगिन करेंगे। पहले आप अपना आईडी और पासवर्ड जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो आपको याद रखना है, संभाल के रखना है, स्क्रीनशॉट उनका रखिए, क्योंकि आपको आपका आईडी और पासवर्ड जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते, इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं कर सकते और बच्चे का एडमिशन नहीं करवा सकते। तो जब पेरेंट्स इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें कि जब आप अप्लाई करें एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका पीडीएफ प्रिंट आउट अच्छे से निकाल के रखें, पासवर्ड को याद रखें, पासवर्ड को लिख करके रखें आप अच्छे से कि पासवर्ड क्या है, एप्लीकेशन नंबर भी आपके पास होना चाहिए, उसी के बिहाफ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड। ओके, उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाने के बाद में एग्जाम के 45 डेज अप्रोक्सीमेट 45 डेज आफ्टर एग्जाम रिजल्ट अनाउंस होता है। उस रिजल्ट में क्या रहता है, जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो उस रिजल्ट में दिया जाएगा इंटरव्यू लिस्ट। इंटरव्यू लिस्ट मीन जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा, जिनको डबल द वैकेंसीज जो बच्चों को बुलाया जाता है उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू उनका होगा, और इंटरव्यू 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, हर स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। वो इंटरव्यू लेटर में आपको लिखा मिलेगा कि आपके बच्चे का इंटरव्यू कहाँ है, आरएमएस धौलपुर में, आरएमएस चहल में, आरएमएस बेंगलोर या फिर आरएमएस अजमेर, कहाँ आपके बच्चे का इंटरव्यू है। इंटरव्यू हो जाने के बाद में, हाँ अब ये भी कंफर्म नहीं है कि आपका अगर इंटरव्यू आरएमएस बेंगलोर में हुआ है तो इसका मीनिंग ये नहीं कि आपका सिलेक्शन आरएमएस बेंगलोर में ही होगा, नहीं। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद दोबारा से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनती है, और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें जो आपने पैटर्न डाला है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपने प्रेफरेंस डाला है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट दिया जाता है। ओके, और उसके बाद जब आपको फाइनल लिस्ट आ जाएगा, इंटरव्यू का भी रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू होने के 15 to 20 डेज बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है, और इंटरव्यू का रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में रहता है, मीन सॉरी मार्च फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आता है। सबसे पहले आपका जब दिसंबर में एग्जाम होगा तो आपका जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के लिए, फिर आपको अप्रोक्सीमेट 7 to 10 डेज मिलता है टाइम इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आपका मार्च फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिजल्ट आ जाता है इंटरव्यू का। फिर आप मेडिकल करवाइए, मेडिकल के लिए स्पेशल जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनमें मेडिकल होता है, और वो मेडिकल आपको सबमिट करना होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए। ओके, अब सीट क्या है, रिजर्वेशंस ऑफ द वैकेंसीज, किस किस के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं, तो आपको बता दें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 70% जो सीट्स हैं, ओके, हर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अप्रोक्सीमेट 90 सीट है, उसका 70% सीट ओके जेसी और ओआर ऑफ द आर्मी नेवी और एयरफोर्स, ओके इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 70% सीट रिजर्व है। 30% फॉर द वार्ड ऑफ ऑफिसर ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स और रिटायर्ड ऑफिसर एंड द वार्ड ऑफ सिविलियंस, तो सिविलियंस के लिए और आर्मी ऑफिसर्स के लिए 30% सीट इसमें रिजर्व है, और 50 सीट इन ऑल पुट टुगेदर आर रिमार्क फॉर द कैटेगरी ऑफ किड इन एक्शन। अगर किसी के पेरेंट्स, इन किसी बच्चे के पेरेंट्स किसी
वॉर में शहीद हुए हैं, ओके, तो उनको सीट मिलता है आरएमएस में, 50 सीट उनके लिए फिक्स है, ओके। अब जो जो ये 30% है उसका 27%, 15% एंड 4.7% ये क्या है? ओबीसी को कितना है? 27% रिजर्वेशन है नॉन क्रीमी लेयर। हाँ, क्रीमी लेयर ओबीसी जो होगा उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एसटी का 15% है और एसटी के लिए 7.5% सीट फिक्स है। अब गर्ल्स का भी एडमिशन 6th और 9th में होता है, तो गर्ल्स और गर्ल्स का टोटल 30 वैकेंसीज रहता है, 6th और 9th को मिला करके टोटल सभी 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में टोटल 30 एडमिशन ही गर्ल्स का हर साल लिया जाता है सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए। 10% ऑफ द टोटल सीट और यू कैन से 30 वैकेंसीज। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल। मेडिकल कैसा होता है, क्या होता है? मेडिकल में स्पेशली बच्चे के आंख का नाक, ओके, फ्लैट फुट चेक किया जाता है, नोकनी चेक की जाती है बच्चे की, ओके। जो जो भी आर्मी के जो स्टैंडर्ड्स हैं फिजिकली वो सारे चेक होते हैं, और ये सभी चेक जो है वो जो आप प्रेफरेंस देंगे मिलिट्री हॉस्पिटल्स का उसमें होगा, ओके। और वो अपने आप ही आप मेडिकल रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को सेंड करते हैं, ओके। उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो मेडिकली फिट मिलते हैं, उन्हीं बच्चों का एडमिशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में होता है। अब हम बात करते हैं कि आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अगर ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग करना चाहते हैं, तो एसेंट सैनिक विंग के काफी सारे कोर्स अवेलेबल रहते हैं। अलग अलग ड्यूरेशंस, जैसे कि क्रैश कोर्स है वो 45 डेज का होता है जिसमें एमसीक्यू सीरीज करवाई जाती है। सुपर फास्ट बैच है वो 60 डेज का, 2 मंथ्स का सुपर फास्ट बैच होता है जिसमें सिलेबस प्लस एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए जो क्लास 3rd और 4th से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उन बच्चों को फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है। इसका भी ड्यूरेशन अलग अलग है। अगर आपका बच्चा 3rd क्लास में है तो वो 2 साल का या फिर 1.5 साल का फाउंडेशन कोर्स करेगा। अगर आपका बच्चा 4th क्लास में है तो वो 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करेगा। उसके बाद पेड कोर्स क्लासेज होता है, फुल कोर्स हम इसको बोलते हैं, जो 6 से 12 मंथ का होता है। 6 मंथ का कोर्स भी आप करवा सकते हैं, 12 मंथ का कोर्स भी आप करवा सकते हैं, ओके। जिसमें 2 से 3 बार बच्चे को सिलेबस का रिविजन करवाया जाता है। उसमें हमारी तरफ से स्टडी किट भी बच्चे को मिलता है। वीकली टेस्ट हर सैटरडे कंडक्ट किया जाता है। प्लस कोर्स होता है जब आपका बच्चा 3rd 4th में है तभी से आप एडमिशन करवा दें, तो वो लगभग 1.5 से 2 साल का कोर्स रहता है जिसमें आपका बच्चा 4th से 5th से 2 साल तैयारी करेगा। फाउंडेशन कोर्स करेगा पहले, उसके बाद में वो फुल कोर्स करेगा जिसमें उसको वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेगा, एमसीक्यू सीरीज भी करवाया जाएगा, 4 से 5 बार उसको सिलेबस भी रिवाइज करवाया जाएगा। जो बच्चे क्लास 9th के लिए एडमिशन लेने वाले होंगे उनका एडमिशन क्लास 7th से ही प्लस कोर्स में कर दिया जाता है जिसमें वो 7th और 8th 2 साल के लिए तैयारी करते हैं। हाँ, क्लास 6 से भी आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, तो फिर उसको पहले फाउंडेशन कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद में 7th और 8th क्लास में उसे प्लस कोर्स दिया जाएगा, ओके। और ये काफी नो जो है काफी कम फीस में ये आपको एसेंट सैनिक विंग के कोर्स अवेलेबल हैं, हम मिलेंगे। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप मैसेज करना होगा 9541079129। अभी काफी डिटेल्स है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टडी किट, जो स्टडी किट बच्चों को मिलने वाली है 6th और 9th के लिए, अलग अलग स्टडी किट हमारे पास रहती है। जैसे ये क्लास 6th एंट्रेंस के लिए है, ये 13 बुक का सेट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर OMR CT ये बच्चों को मिलता है। जो भी बच्चे हमारे पास एडमिशन लेते हैं कोर्स में बुक्स इंक्लूड है तो आपको बुक्स मिलेगा। अदर आप अलग से ओनली स्टडी मटेरियल परचेज करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं। सिलेबस की हम बात करें, क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है क्लास 9th के लिए, ये 12 बुक सेट रहता है। और जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स करते हैं, फाउंडेशन जो आपका बच्चा अगर क्लास 3rd 4th में, और अभी से आप प्लान कर रहे हैं कि आपके बच्चे को आप प्रिपरेशन करवाएं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, तो आप ये हमारा 6 बुक सेट लेकर के प्रिपरेशन करवा सकते हैं। जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं उन बच्चों को ये बुक्स दिया जाता है, ओके। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहता है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए। टेस्ट सीरीज करना काफी ज्यादा कंपलसरी रहता है कि एटलीस्ट आप 10 टेस्ट बच्चों को करवाएं जिससे कि वो OMR फिल करना सीख जाए, किस तरीके से OMR फिल किया जाता है। ये हमारे कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हुआ है। वैसे तो काफी सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में, दोनों का ही मैं आपको शो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से कुछ बच्चों का
और मैं माफी चाहूंगा उन बच्चों का जिनका यहाँ पे शो नहीं कर पाए हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन एसएन सैनिक विंग में पढ़ करके हुआ है। ओके, तो ये कुछ बच्चे जिनका मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो रिसेंटली जिनका एडमिशन हुआ, और ये बच्चे जो हमें शेयर करते हैं अपने पिक्स वहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और गूगल ओपन करने के बाद आपको लिखना है RMS, कैपिटल RMS लिखेंगे आप, ठीक है। तो RMS सर्च करने के बाद में जो आपको सबसे पहले जो वेबसाइट मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था, www.rashtriyamilitaryschools.edu.in, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिलेगा सीईटी कॉर्नर। जो सीईटी कॉर्नर है बेटा, सॉरी बच्चों, इसका क्या मीनिंग है? सीईटी का है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कॉर्नर। इसमें आपको आपके एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती है। जैसे यहाँ पे अभी जो न्यूज चल रही है वो न्यूज देखिए क्या है, यही आपका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आता है, इसी वेबसाइट पे आपको रिजल्ट मिलता है, इसी पे आपका इंटरव्यू लिस्ट मिलता है, इसी में फाइनल, जैसे अभी सीईटी 2024 का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया हुआ है, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा अपने ऐसे वेबसाइट पे जहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आया हुआ है एग्जाम कैलेंडर, एडवर्टाइजमेंट, सारा पूरा प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरा प्रोस्पेक्टस आप इसका पढ़ सकते हैं। ओके, हर पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप डाउनलोड करें और उसे पूरा अच्छे से पढ़ें। जैसे प्रोस्पेक्टस अभी मेरे पास डाउनलोड हो गया है और हम इसे ओपन करते हैं। ओके, जैसे हमने प्रोस्पेक्टस जो है अभी ओपन कर लिया है, इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, हर स्कूल्स के बारे में बताया जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया जाएगा, एग्जाम पैटर्न बताया जाएगा। हम बात कर रहे थे सिलेबस की, तो सिलेबस भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें बच्चों को एडमिशन के बाद में लेके जानी है। तो इसके मैं अलग से प्रोस्पेक्टस का एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें आपको प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ करके बता दूंगा कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या है। ओके, अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस क्या है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सिलेबस की तरफ मूव करते हैं, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस है। यहाँ से हम बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सिलेबस से। तो अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस के ये चैप्टर्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस का सिलेबस आप नोट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइस यूज इन डेली लाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, सेल्स एंड द स्ट्रक्चर्स, टेस्ट एंड डाइजेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का साइंस का सिलेबस है। ओके, ये हमारी बुक है, उस बुक में आपको इस तरीके से सिलेबस यहाँ पे मिलता है। ओके, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, साइंस का जो सिलेबस है यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं, वेट अ सेकेंड, ये साइंस का सिलेबस है। उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करेंगे। इस तरीके से हमारी बुक में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो एसएन सैनिक विंग का स्टडी किट है उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। साइंस के बाद में ये जीके का सिलेबस है, जीके में क्या क्या रहता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। जीके में जो हिस्ट्री का सिलेबस है, सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि जो रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फेमस बैटल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, फेमस इन इंडियन डेंसिटीज जो पूछा जाता है। ओके, जैसे कि आपको लोधी डेंसिटी से क्वेश्चन आएंगे, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आएंगे। ओके, सल्तनत पीरियड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मुगल अंपायर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, रिवोल्ट 1857 से क्वेश्चंस हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, फेमस पर्सनालिटीज एंड फ्रीडम मोमेंट्स एंड नेशनल मोमेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड ये सिलेबस है आपका। ओके, और उसके बाद जो आपका सिलेबस है वो ये एमसीक्यू सीरीज है। यहाँ पे एसएन सैनिक विंग का जो किट है उसमें आपको 1500 एमसीक्यूज भी मिलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश, ये इंग्लिश वोकेबलरी रहती है। ओके, इंग्लिश वोकेबलरी में क्या क्या पूछा जाता है इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर। ओके, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन काफी आते हैं, सिनोनियम एंटोनियम्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
ये कुछ सैंपल्स हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस जानते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है? तो जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो देखिए, मैथमेटिक्स के सिलेबस में नंबर सिस्टम, न्यूमरल सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, वी फोर्ड मास, एलसीएम एचसीएफ, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, क्यूब क्यूब रूट, ओके, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिटरी मेथड, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, एरिया पेरीमीटर, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मेजरमेंट और टेम्परेचर, डाटा हैंडलिंग। ये क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। जो हमारी बुक है उसमें कुछ इस तरीके से सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। टोटल हमारे किट में 3 बुक्स आपको मिलती हैं, जैसे कि ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन में जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के कौन कौन से पोर्शंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। स्पोर्ट्स और गेम्स से रिलेटेड होगा, माउंटेन्स, क्लासिकल एंड फोक डांस, डिफेंस, डिफेंस में क्या रैंक पूछी जाती है, डिफेंस रैंक, आर्मी रैंक कौन कौन सी है, एयरफोर्स रैंक कौन कौन सी है, नेवी रैंक कौन कौन सी है, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, अवार्ड से क्वेश्चन होंगे। ओके, जैसे सिविलियन अवार्ड्स हैं। ओके, मेजर ट्राइब से क्वेश्चंस आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, एंड जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ओके, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। लाइफ ऑफ फार्मर, नेचुरल क्लाइमेट्स, फ्लड से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फाउंडर ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस, ओके, जैसे जैनिज्म के फाउंडर कौन है, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फेमस म्यूजिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये पूरा सिलेबस है जो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ये जीके का पूरा सिलेबस है। ओके, किस तरीके से हम यहाँ पे बच्चों को जो बुकलेट मिलता है उसमें लिखा होता है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन से पर्सन हैं, इस तरीके से। ये इंग्लिश का प्रैक्टिस बुक है जिसमें सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस होती है। इंग्लिश का सिलेबस, ये टॉपिक्स इंग्लिश के हैं। ओके, इंग्लिश का सिलेबस आप नोट कर सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड मोडल्स, एडवर्ब, ओके, तो ये पूरा सिलेबस है इंग्लिश का जो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए जिसमें पूरा सिलेबस है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा कि ये सिलेबस है सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, जस्ट आपको मैसेज करना होगा स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी क्लास के लिए आपको चाहिए, तो ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम रीजनिंग का सिलेबस की बात करेंगे कि रीजनिंग के सिलेबस में क्या है। ओके, रीजनिंग का सिलेबस अभी बात करते हैं जी। ये मैथमेटिक्स सेकंड का बुक है, उसके बाद अभी रीजनिंग का बुक आएगा और उससे उसका सिलेबस हम नोट करेंगे। यस, रीजनिंग के सिलेबस में क्या रहता है? कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, दोनों ही वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन का भी अच्छा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन आता है। फिर है अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, मिसिंग नंबर, फिगर बेस्ड प्रॉब्लम, मीन जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो, फिगर काउंटिंग, डाइस, क्यूब और क्यूबॉइड, ये रीजनिंग का सिलेबस जो आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये था कुछ सैंपल्स और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में पूरी जानकारी। ओके, और आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए। ओके, अगर आप हमारे पेड कोर्स क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चे को कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डिटेल्स हैं और आप लेटेस्ट कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं उनके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।